लेकिन मैं अभी चला जाऊंगा पंजाब, इस वजह से मैंने सोच रखा है आज मैंने अपनी ज़मीन पे हर हाल में जाना है। चले चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। लेकिन आज के व्लॉग से पहले रात क्या हुआ मेरे साथ पहले वो देख ले। हुआ कुछ यूँ था, काटन का जोड़ा चिपका रहा था, काटन के कपड़े को इस्त्री लगाने से पहले पानी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। थोड़ी देर पहले मैं बोतल काटन का हटा के पानी भरने के लिए चला गया। जैसे पानी भर के वापस आया बोतल को ढक्कन लगाना भूल गया। बोतल रख दी, कपड़ा बिछाया, इस्त्री घुमाई, इस्त्री घुमा के रखी, बोतल उठाई पानी लगाने के लिए। तो हाँ तो जी, अब व्लॉग कुछ इस तरह सा है, मैंने ज़मीन पे नहीं गया हूँ बहुत दिन हो गए। कनकी की कटाई जैसे की है करके जैसे वापस आए घर पे बैठे हैं, फिर सीज़न आ गई बीच में रमज़ान की सीज़न लगाई है, सीज़न लगा के अब फिर मैं पंजाब जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इस वजह से फिर सोच रहा हूँ फिर रह जाऊँगा। आज इस्पेशली मैंने ज़मीन पर जाने के लिए टाइम निकाला है। कनकी की कटाई करके जैसे घर आ गए थे उसके बाद दूसरी जो फसल लगाई गई है वो तैयार होने वाली है, लेकिन अब तक मैं नहीं गया, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं अभी चला जाऊंगा पंजाब, इस वजह से मैंने सोच कर रखा है आज मैंने अपनी ज़मीन पे हर हाल में जाना है। चले चलते हैं। पहुंच गए हैं हम अपनी ज़मीन पे और ये रास्ता है बीच में। बाइक भी खुद चला रहा था और वीडियो भी खुद बना रहा था, इसी वजह से उसमें हिलना ज़्यादा रहा है। ये कपास की फसल लगाई गई है, ये भी तैयार। पहुंच गए हैं हम अपनी ज़मीन पे और ये रास्ता है बीच में। बाइक भी खुद चला रहा था और वीडियो भी खुद बना रहा था, इसी वजह से उसमें हिलना ज़्यादा रहा है। ये कपास की फसल लगाई गई है, ये भी तैयार होने लगी है, तैयार होने वाली है। आज गर्मी बहुत है,
और हल्के हल्के से बादल भी हैं आज, और इंशाल्लाह आज बारिश होगी। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा बारिश होगी, कुछ गर्मी कम हो जाएगी कुछ। परिंदा परेशान हो गया है कि ये क्या है, कौन आया है इधर, बहुत दिनों के बाद आए ना, इधर के परिंदे भी नहीं पहचान रहे अभी। ये वाटर पानी की, इससे पानी आता है, हम ज़मीनों को देते हैं इधर, और अभी भी चल रहा है किसी की ज़मीन में, इस वक्त भी चल रहा है फुल स्पीड में। वाटर से छोटे मोटे दरख्त मिलेंगे, बाकी ज़मीन में वो कहीं कहीं पे मिल रहे हैं दरख्त, बस सारे दरख्त काट दिए हैं भाई लोगों ने। ज़मीन में दरख्त ज़रूरी है, सारा दिन ज़मीन पे बंदा ख़ास तौर ज़मीन पे ही गुजारता है, जो देहात का बंदा जो बाहर रहता है ज़मीन का काम करता है ना, वो सारा दिन ज़मीन पे ही, सारा दिन उसका सारा दिन ज़मीन पे ही जाता है उधर काम करते वक्त। दरख्त तो होगा कम से कम, थोड़ी सी छाँव पे बैठेगा, सांस तो लेगा। एक ये दरख्त है हमारी ज़मीन में, और एक वो सामने तूड़ी के पास, और ये वाटर आ रही है यहाँ से, ज़मीन को पानी देने का सिस्टम यहाँ से बनाया हुआ है हमने, यहाँ से जाता है पानी, यहाँ से सारी ज़मीन को पानी आ जाता है, इधर से देते हैं। ये हमारी गन्ने की फसल, और ये हमारी कपास की फसल, और ये हमने चावल की फसल के लिए जो थोड़ा बहुत साइड से ज़मीन छोड़ते हैं वो छोड़ी हुई है, वो भी लगाएंगे अभी, नहीं लगानी थी लेकिन अभी नहीं लगा रहे, पता नहीं क्या हुआ है, भाइयों को पता होगा क्या मसला हुआ, अभी नहीं कर रहे वो। ये इस वक्त मैं जहाँ से जिससे चल रहा हूँ, हमारी ज़बान में तो इसको बन्ना बोलते हैं, फिर आप लोगों की ज़बान में पता नहीं क्या बोलते हैं, उर्दू में तो पता नहीं मुझे इसको क्या बोला जाता है, लेकिन हमारी ज़बान में सिंधी सराइकी में तो इसको बन्ना ही बोलते हैं। वो हमने बाइक खड़ी की हुई है, यहाँ से आए थे और आप लोगों को मैंने ये दिखा दी, बहुत दिनों हुए थे नहीं आए थे, गर्मी भी बहुत है, ये टाइम भी नहीं है आने का ज़मीन पे, 2 बजे हैं अभी दोपहर के, लेकिन बस रहा नहीं गया आज। कनकी की फसल जब हम उठा देते हैं उसके बाद फिर हमारे यहाँ कपास की फसल लगती है। इस वक्त मैं दुकान पे आ गया हूँ और आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। दुकान मैंने खोल ली है और दुकान की थोड़ी सी बाहर मंजर दिखा दूँ आपको। ये लॉकडाउन की वजह से यहीं पे खड़ी कर दी है हमने, यहीं पे खड़ी हुई है, पता नहीं कब ये फिर से चलना शुरू हो जाएंगी। यकीन करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल की घंटी को ज़रूर दबा देना। दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।